सुबह सुबह ही नजारा ऐसा हो तो दिन पूरा अच्छा ही जाते हैं। आपको पता है हम लोग जब भी चल रहे थे उस टाइम कितना जानवर हम लोग देखा जो नॉर्मली जू में ही देखने मिलते, ये हरिन है। तो नजारा देखते देखते हम लोग पहुंच गया लोक भारती यूनिवर्सिटी में। तो लोक भारती यूनिवर्सिटी ये शोशारा से है, गुजरात में ही है, भावनगर के आसपास ही एक यूनिवर्सिटी गाँव के अंदर है, जो बहुत ही बड़ा एक यूनिवर्सिटी है, जो एग्रीकल्चर साइंस, सोशल साइंस, करीब करीब 800 स्टूडेंट है इसमें, लाइक ए गुरुकुल। बट ये थोड़ा डिजिटलिज्म करके गुरुकुल बनाया, कौन बनाया वो मुझे पता नहीं, बट मेरे साथ जो थे एक्चुअली उन्होंने बोला जे आप इस यूनिवर्सिटी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि मेरा भी बचपन से एक बहुत ही बड़ा एक इच्छा है, ड्रीम्स है, जो मैं एक बहुत बड़ा आश्रम बनाऊंगा, जो जिस आश्रम में कोई टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजिकल एडुकेशन रहे बट टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, जो हमारा महाभारत रामायण के टाइम जो गुरुकुल थे, एक्चुअली गुरुकुल थे उस टाइम, उस टाइप मैंने बनाऊंगा। तो करीब करीब मुझे बहुत पहले से ये इच्छे थे, जब भी मैं USA थे, और छोटा मोटा मैं काम भी करता हूँ, लेकिन मेरा बहुत बड़ा ड्रीम्स है मैं इतना बड़ा एक करीब करीब 300 से 400 एकड़ ज़मीन में मैंने ऐसा एक आश्रम बनाऊंगा। तो मुझे बहुत ही इच्छा हुआ जो देख के जाते हैं, क्योंकि इस आश्रम लाइक माय ड्रीम्स, बट ये डिजिटलिज्म करके बनाया। लेकिन उसके बाद भी गांव के अंदर मेरा भी सपना है, मैं पूरा एक गांव बनाऊंगा आश्रम के टाइप, जे जा गुरुकुल टाइप के थे। तो इसमें देखने के लिए मैंने गया मैं और इवनिंग, तो इधर का जो सिस्टमेटिक कुछ चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, वो मैं देख रहे थे जो कैसे क्या बनाया, और बीच गांव के बीचों बीच है, एकदम गाँव के अंदर है, करीब करीब 17 से 18 एकड़ ज़मीन में, और सिर्फ इससे भी ज़्यादा है, करीब करीब 30 से 40 एकड़ होगा ज़मीन में ये यूनिवर्सिटी बनाया। ये पहले प्राइवेट ने बनाया था, कोई इंसान थे जो यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे गांव के बीच में, तो गांव वाले सबको, सबका जो खेती वाला ज़मीन है, इन लोगों सब ज़मीन उन्होंने जो टीचर थे जो बनाया, जो फाउंडर है इन लोक भारती यूनिवर्सिटी का, उनको दान कर दिया था, उन्होंने डोनेशन किया ये जमीन। देन कुछ सालों बाद ये गवर्नमेंट के अंडर आ गया, गवर्नमेंट भी ये देख रहे हैं, लेकिन रूल्स अभी भी प्राइवेट तरीके से ही चलते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स के द्वारा चलते नहीं है, लेकिन इसमें जो फंड आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन से आता है और गवर्नमेंट से भी कुछ आता है। तो मैं इवनिंग महेश भाई हम लोग चला गए ये देखने के लिए, क्योंकि हमारा जो रोड है उस रोड से थोड़ा हटके है ये, तो उसके बाद भी हम लोग बहुत मेहनत करके इधर गया क्योंकि मुझे देखना था। और सबसे बड़ा बात है ना, गांव के अंदर हमारा इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं बनते, वो भी क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर साइंस इसके ऊपर डिपेंड करके, इधर बच्चे लोग भी है, यूनिवर्सिटी के लोग भी है, कैंटीन भी इधर है, हॉस्टल भी इधर है, सब कुछ इधर है। और मुझे अच्छा लगा एक चीज़ देख के, भारत का जितने सारा बड़ा बड़ा मुनि ऋषि है जो हम लोग बोलते हैं, जिसको देख के हम लोगों को अनुप्रेरणा मिलते, आत्मविश्वास मिलते, उनका बहुत सारे सिस्टमेटिक फोटोज, उनका रिसर्च, APB अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी से खुदीराम से शुरू करते, देन बाबा साहब अम्बेडकर, इनका सब लोगों का अलग अलग कल्चरल जो चीज़ है इसमें है, ये जो देख रहे हैं ये एक सिंपल लाइफ कैसे बिता सकते हैं उसका एक स्ट्रक्चर है, जो इंसान जो सिंपल लाइफ कैसे बिता सकते हैं, एकदम सिंपल सिटी में आप लाइफ बिता सकते हैं, उसका थोड़ा सा नज़ारा इधर दिया, जो आप घर के अंदर ही जो ज़मीन है उस ज़मीन के अंदर ही आप चाश कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चले गए लाइब्रेरी देखने, सिंपल सिटी के लाइफ देखने के बाद लाइब्रेरी देखने गया था। लाइब्रेरी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही हरा भरा है, और स्टूडेंट के एक स्टूडेंट के साथ भी बात कर रहे थे, तो इधर का जितने सारा फूडिंग होता है, कुकीज़ होता है, पनीर वगैरह सब स्टूडेंट लोग खुद ही बनाते हैं, कुकीज़ भी खुद बनाते हैं, और कुकीज़ भी मैंने ट्राई किया, बहुत ही अच्छे मज़ेदार कुकीज़ है। देन मैंने हम लोग लाइब्रेरी में गया, इवनिंग तो साथ में है, और बहुत सारे धूप भी है और गर्मी भी है, क्योंकि इस टाइम में गुजरात में बहुत गर्मी पड़ते हैं, और वो इवनिंग के लिए भी खतरनाक है, मेरे लिए तो है ही है, क्योंकि मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर वो US बेस है, और मेरा जो आदर्श, मैं जहाँ पे रहता हूँ उसमें इतना गर्मी नहीं है, बट गुजरात में बहुत ही गर्मी है, तो मुझे तो प्रॉब्लम होता है, वो देखो इवनिंग है। देन हम लोग चला आया उस लोक भारती यूनिवर्सिटी देखने के बाद, आसपास ही एक आ गया था
पान भाई आश्रम में, उसके साथ ही है, करीब करीब 7-8 किलोमीटर दूर ये आश्रम है। इसका भी बहुत सारा स्टोरी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो पूरा वीडियो में मैं बता नहीं सकते। और इस आश्रम भी बहुत सुंदर है, कोई भी रह सकते, खा सकते, पी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और करीब करीब 16-17 एकड़ में ये मंदिर बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इस आश्रम में बहुत सारा डॉग्स है, और बहुत सारे जो स्टोरी है इनके बेस, बोलते हैं जो जिनके आश्रम थे करीब करीब 200-300 साल पुराना आश्रम है, तो उनका एक उनको जब भी जला दिया था, लेकिन उनके हाथ काटे हुए और वो बाहर आके उसके पान संसर हो गए। लाइक जैसे होते हैं ना, जो हम लोग कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आया था जिसके नाम वेटनेसडे, वेटनेसडे में के जो उनका जो मेन कैरेक्टर लड़के थे उनके पास एक हाथ थे, ओनली फॉर हाथ और कुछ नहीं। लाइक दैट जो इस जो आश्रम का जो गुरुजी थे उनके जिसके नाम पे ये आश्रम बने हुए हैं, उनको जब भी पूरा जला दिया था मरने के बाद, लेकिन उनके हाथ नहीं मरे थे और उनके हाथ वापस आ गए थे। देन मैं बहुत ही घूमा इधर, इधर के घूमने के बाद हम लोगों को चलना जाना पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, क्योंकि हम लोगों को भी हमारा यात्रा ख़त्म करना है, तो यात्रा के लिए हम लोग ज़्यादा टाइम इधर नहीं रुक सकते थे। बट इस मंदिर में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वातावरण भी बहुत अच्छे थे, और मुझे बोला था इधर रुकने के लिए, बट नहीं, हम लोगों का रूट इसमें नहीं है, तो रूट दूसरे साइड में है। और ऑब्वियसली इसमें इतने सारा मंदिर में इतने सारा डॉग्स है जो इवनिंग के लिए खतरा हो सकते हैं। देन हम लोग होटल में आ गया। होटल में आने के बाद देखो इवनिंग क्या कर रहे हैं, इवनिंग बहुत ही शैतान है। वो होटल में आके पहले उसको मैं फ्रेश करके देता हूँ, क्योंकि वो चल के आते हैं, बहुत सारे गंदे भी होते हैं रात को। हम लोग क्या किया होटल में आने के बाद, इवनिंग को फ्रेश करके दिए, फ्रेश करने के बाद इवनिंग को खाना खिला के हम लोग सो गए।